ओके वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है गाइस? यस सर। ओके गुड, आप सॉरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल की मुझे याद आ रही थी, तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल तो एक प्रकार से हम लोगों ने एक एक फ्लो, एक बैकग्राउंड हमको समझ में आ गया था कि किस तरीके से स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हमने देखा। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा, आप थोड़ा सा आगे चल के ये प्रॉब्लम आपके साथ आए कि कभी कभी क्या करते हैं कि लोग जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी को ही स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोल देते हैं। मतलब ये चीज आपको पता है ना कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वो भी डिवाइस हैं जिनमें बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, और स्पेक्ट्रोस्कोपी एक एडवांस आपको इंस्ट्रूमेंटेशन भी आप कह सकते हो। तो मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि अगर कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी को, जैसे आप लोगों ने आपने आपने एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम सुना है ना, सुना है सब लोगों ने, डबल एस बोलते जिसको, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर सिलेबस में भी है। तो मैं इतना बोलना चाहूंगा, अगर कभी उस चीज को हम बोल दें ए जाओ इसको एक टेस्टिंग करा लाओ, वहां पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, तो मतलब ये मत सोचेगा कि वो कुछ गलत टर्म बोल दिया, क्योंकि वो भी उसी चीज का ही मतलब एक वही कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोगों के लिए एक बार कंफ्यूजन ना हो, मैंने क्या किया है, फिर भी मैंने क्या किया, दो लाइन मैंने पिछले पावर कल वाले क्लास स्लाइड में ये नहीं था, जिसमें आप आसानी से समझ सकते हो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। आप देखिए जरा लाइन को पढ़िए, स्पेक्ट्रोस्कोपी मेजर द एमिशन स्पेक्ट्रम एट द डिफरेंट वेवलेंथ, व्हाइल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेजर रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। मतलब आप इस चीज को जरा समझिए, मैंने कल बताया था आपको, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे ही हम किसी चीज की मेजरमेंट करते हैं। अब आपको मैंने बताया था कि अगर कहीं पे कंसंट्रेशन ज्यादा है तो एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगा, बियर लैम्बर्ट लाइट दोनों में अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है कि बियर लैम्बर्ट लाइट केवल आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी, दोनों में अप्लाई होगा। इसको हम दूसरे तरीके समझ सकते हो, स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विद द ट्रांजिशन इंड्यूस द केमिकल स्पीसीज बाय इट्स इंटरेक्शन विद द फोटॉन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो क्वांटिटेटिव अप्रोच आता है मेजरिंग द रिलेटिव एनर्जी ऑफ इमिशन, ट्रांसमिटन, रिफ्लेक्टेड, कल हम लोगों ने जो पार्ट पढ़ा था, मैं अगर आपसे डिस्कस करूं तो कल हम लोगों ने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पढ़ा था। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। आपके सिलेबस में भी है ये पॉइंट, मतलब अगर कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाएगा मेरे दोस्त, तो पहले उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का बेसिक कंसेप्ट एक सिंपल डिवाइस का बताएगा। फिर हमने बताया कि ये भी तीन टाइप के होते हैं, डिपेंड ऑन द यूजिंग विच टाइप ऑफ रेडिएशन, विच टाइप ऑफ सोर्स ऑफ द रेडिएशन। इफ द यूजिंग द विजिबल, ओनली विजिबल, देन नोन एज विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इफ यू आर यूजिंग द अल्ट्रावायलेट विजिबल रेंज, देन इज नोन एज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रो फोटोमीटर। इफ यूजिंग द IR, UV visible IR, then three type of बियर लैम्बर्ट लाइट। में किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, एक रिलेशन है। उसने बताया कि जो एब्जॉर्बेंस है और एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन का दोनों का जो रिलेशन है वो एक लीनियर रिलेशनशिप, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बनता है, जिसको हम इक्वेशन से भी समझ सकते हो, A = εbc। इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा डिविजन करा देता हूँ। कल जो मैं बताया था यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में, मैंने कल आपको बताया था, और इसके कुछ पार्ट बताए थे और इसके एप्लीकेशन। लेकिन मैं आज जो आपका बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। आर यू रेडी? बिल्कुल माइंडसेट बन गया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ने वाले हैं अब? बिल्कुल सभी का माइंडसेट क्लियर है? चलिए चलिए yes, चलो हम बात करते हैं। हमने कल लास्ट में बताया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी, जितने भी स्पेक्ट्रोस्कोपीज हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे आपको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, चाहे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, सीडी सर्कुलर डाइक्रोम अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, या फिर और भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, ये क्या नाम है, जो लाइन लिखा है इसको हटाए यहाँ से, ये फिर प्रॉब्लम करेगा। तो मैं आपको एक बेसिक में बताना चाहूंगा, दिस इज ए इंटरेक्शन बिटवीन मैटर,
एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर आप देखें तो एक प्रकार का दिस इज ए वन टाइप ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मीन्स, अब बताइए जरा व्हाट इज द मैटर। ये सैंपल, जो भी सैंपल होगा उसमें जो भी मटेरियल होगा, उस मटेरियल और किसके बीच में इलेक्ट्रो, जो हम इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो फाल करेंगे, जो भी इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पे हम डालेंगे, उन इस दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होगा। इस इंटरेक्शन की स्टडी को ही हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी कह सकते हो। दिस इज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। बिल्कुल सिंपल है। कल मैंने आपको पिक्चर से बताया था, आपको याद होगा कल मैंने कहा था, जैसे मान लीजिए सैंपल है, दिस इज ए सैंपल और दिस इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हम इसको EMR भी बोल सकते हो, एक शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैं बताना चाहूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास आपको दो तरीके के प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर मैं आपसे बोलूं तो दैट विल बी टू प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मतलब ये आगे बार बार ये चीज आपको रिपीट कर सकते हो, दैट विल बी इलेक्ट्रिक, इसके पास इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी होती है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो ये जो रेडिएशन यहाँ पे आ रहे हैं सैंपल पे, इसको आप फॉल कर रहे हो। सैंपल में क्या है, कोई एक सबस्टेंस होगा। जो सबस्टेंस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम बनेगा। क्या बनेगा, रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम बनेगा। उस स्पेक्ट्रम के बेसिस पे ये स्पेक्ट्रोमीटर यहाँ पे लगा होगा, एक डिवाइस होगी जिसको हम लोग क्या बोलते हो, डिटेक्टर। दैट विल बी डिटेक्टर, डिटेक्टर। और डिटेक्टर के को हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, एक रीडिंग आउट होगा, एक रीडिंग मिलेगी। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है, मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो मेन आपको प्रोसेस होती हैं। दैट विल बी टू मेन प्रोसेस। वन इज एब्जॉर्प्शन, ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट को समझिएगा। वन इज एब्जॉर्प्शन और उसके बाद क्या होगा, इमिशन। स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये दो स्टेप्स होते हैं, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन। देखो जरा, अब मैं आपको एक बताना चाहूंगा, जैसे कोई भी सबस्टेंस मान लीजिए, कोई भी मैटर किसी एक पार्टिकुलर वेवलेंथ या पार्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस पे हम डालते हैं, तो क्या करेंगे, उसमें जो मैटर होगा, जो उसमें एटम्स होंगे, वो क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यस और नो, बिल्कुल करेंगे। That is absorb the energy of the electromagnetic radiation. आप कमेंट बता सकते हो, मैं सभी का कमेंट देख रहा हूं, जल्दी बताइए, करेंगे ना। अब क्या होंगे, जो एब्जॉर्ब करेंगे तो इनके जो स्टेट होगा, जो इलेक्ट्रॉन का, वो कहाँ पहुंच जाएंगे, एक्साइटेड। That will be raised to excited state. ठीक है, आप एक्साइट होंगे। अब फर्दर क्या होंगे, ये अपने ग्राउंड स्टेट में जाएंगे, इसको हम बोलते हैं कौन सी स्टेट बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, आल्सो नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। यू नो अबाउट द ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट मतलब कोई भी आपको जो इलेक्ट्रॉन है या कोई एटम्स है, जब वो क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो एक ट्रांजिशन स्टेट चले जाते हैं। फर्दर ये अपने ग्राउंड स्टेज में जाएंगे, दैट इज ए ग्राउंड स्टेज। जब ये ग्राउंड स्टेज में जाएंगे तो क्या करेंगे, जल्दी बताइए, क्या यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो रही होगी। ग्राउंड स्टेज में जब जाएंगे करेंगे, हाँ, एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे रिलीज होगी, जिसको हम क्या कह सकते हो, इमिशन। तो जरा बताइए, हाँ, दैट विल बी वन स्टेप इज नोन एज एब्जॉर्बेंस। तो पहला स्टेप कौन सा होगा, आपसे पूछा सकता है कौन सा स्टेप पहला होगा, एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस से क्या हो रहा होगा, ग्राउंड स्टेज से
वो जो एटम्स हैं वो कहाँ पहुंच गए होंगे, एक्साइटेड स्टेज में ना पहुंच गए होंगे, और एक्साइटेड से फर्दर ग्राउंड स्टेज में आएंगे तो क्या होंगे। तो आप यहाँ भी समझ सकते हो, देखिए ये एक ग्राउंड स्टेज मान लो, ग्राउंड स्टेज से एक्साइटेड स्टेज में जाते हैं तो एक क्या होती है एब्जॉर्बेंस होता है, और जब ये फिर ये क्या करेंगे फिर से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेज में आएंगे तो ये एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है रिलीज हो रही है। आप जो मुझे जरा जवाब दीजिए सभी लोग, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी और जो एनर्जी रिलीज हो रही थी, क्या इन दोनों की वेवलेंथ सेम होगी? देयर विल बी द सेम वेवलेंथ ऑफ द एब्जॉर्बेंस ऑफ द एनर्जी एंड रिलीजिंग ऑफ द एनर्जी, देयर विल बी डिफरेंट द एनर्जी। यही तो एक पार्ट है जो आपको समझना है। अगर डिफरेंट नहीं होते तो फिर स्टडी का मतलब क्या होगा? दैट इज चेंज द एनर्जी, चेंज द वेवलेंथ ऑफ द रिलीजिंग इमिशन कंपेयर टू द एब्जॉर्बेंस, दैट विल बी यहाँ पे क्या होंगे दैट ये लो 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 वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यहाँ रिलीज हाई वेवलेंथ। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, हाँ बिल्कुल सही बोला नीलमा शुक्ला, बिल्कुल सही, वेरी नाइस, थैंक यू। हाई वेवलेंथ एनर्जी रिलीज करेंगे और हाई वेवलेंथ को हम लो एनर्जी कह सकते हो। और ये सिंपल सा कंसेप्ट है, जब कोई भी एनर्जी अगर जैसे हम मान लीजिए मैं एक किसी ऑब्जेक्ट पे एनर्जी अगर मैं एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस पे मैं फॉल कर रहा हूँ तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद जब एनर्जी रिलीज होगी तो उतनी एनर्जी तो वहां पे होगी नहीं, तो ये क्या होगा दैट विल बी लो एनर्जी हाई वेवलेंथ, दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। चलिए माइक बंद रखो। अब हम आते हैं व्हाट इज द स्पेक्ट्रम। कृतिका चलो, व्हाट इज द स्पेक्ट्रम। अब देखो मैं स्पेक्ट्रम की बात क्यों कर रहा हूं, देखो ध्यान से देखो, क्या हम कभी भी व्हाइट लाइट को अपनी नेकेड आई से देख पाते हैं कि इनमें विवग्योर क्या हमको कुछ डिफरेंशिएट होता है? कभी नहीं। हम अगर व्हाइट लाइट को देखते हैं तो हमको कोई भी एक प्रकार से वहां पे डिफरेंट डिफरेंट जो कलर के रेडिएशन हैं वो हमको डिस्टिंग्विश नहीं हो पाते हैं। एक तरीका यही है कि क्या कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो ऐसा कर सके कि सैंपल पे जैसे डालें तो मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे जो लाइट पड़ रही है यहाँ पे स्पेक्ट्रम नहीं है। जैसे लाइट रिलीज हो रही है, जैसे लाइट आपको इमिशन हो रही है, जैसे लाइट रिलीज हो रही है वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे एक स्पेक्ट्रम बन रहा है। स्पेक्ट्रम क्या है आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटर में, क्या है विवग्योर, दिस इज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को ध्यान से देखिए, अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें, यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में, अगर मैं स्पेक्ट्रम की बात करूं तो सबसे 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 लो वेवलेंथ यहां पे कौन है, गामा रेज, उसके बाद कौन आएगा एक्स रेज, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, फिर IR, फिर रेडियो वेव, ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है वेवलेंथ का। ये क्वेश्चन सॉरी आपके MCQ में बन सकता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इंक्रीजिंग द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, तो आपका सबसे लो वेवलेंथ कौन होगा, गामा रेज, फिर एक्सरे, यूवी, IR, रेडियो वेव। आपको बताना चाहूंगा जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो दैट दिस इज ए हाई एनर्जी। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, गामा रेज की। सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, रेडियो, लो एनर्जी। तो वेवलेंथ और एनर्जी जो होता है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी कम हो जाएगी, ये भी समझ में आ गया सभी को। अब मैं बात करता हूं वो रीजन जो जिसको हम विजिबल लाइट बोलते हो, क्या बोलते हो, विजिबल लाइट। यही एक ऐसी लाइट, एक रेंज है, यही एक ऐसा रेंज है जिसको हम विजिबल मतलब हम देख सकते हो, वो है 400 टू कितना 700, दैट विल बी 400 टू 7, VIBGYOR, दिस इज ए विवग्योर, 1 2 3 4 5 6 7, सभी आ गए ना, आप सबने पढ़ा होगा 7 आपको मिलते हैं रेडिएशन, 7 मिलते हैं कलर जहां विवग्योर्स में 400 to 700, उसके जस्ट पहले क्या है अल्ट्रा वायलेट, जस्ट पहले क्या है, उसके बाद क्या है
आईआर स्पेक्ट्रम। ये भी समझ में आ गया सभी को, क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि आपसे पूछ सकता है कि विजिबल लाइट्स का जो जो वेवलेंथ रेंज है वो क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए 400 to 700। ध्यान रखिएगा इसको, नैनोमीटर जरूर याद रखिएगा, नहीं तो कभी कभी क्या होता है नैनोमीटर भूल जाते हैं। अल्ट्रा वाइड पूछ दिया जाए तो क्या आंसर दोगे, 100 to 400 नैनोमीटर। ये ध्यान रखिएगा 100 नैनोमीटर to 400, ये है अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट में भी तीन होते हैं, अल्ट्रा वायलेट ए, अल्ट्रा वायलेट बी, अल्ट्रा वायलेट सी। इतना नहीं पूछा जाएगा लेकिन आप समझ लीजिए। अब हम आते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो जरा, देखो कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो ले लो, आप ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं उसमें अब्जॉर्बेंस तो हो ही रहा होगा ना, तो ये कोई अलग नहीं है, ये एक बेसिक बेसिक प्रिंसिपल है मोस्ट ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जिसमें क्या हो रहा होगा, एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा। तो हम हो सकता है कल को एब्जॉर्प्शन, अब आपके थ्योरी में तो नहीं आने वाला, लेकिन हम समझ लेते हैं क्या होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी रिफर टू दैट टेक्निक मेजर द एब्जॉर्बेंस ऑफ रेडिएशन। जो भी रेडिएशन डालेंगे, व्हाट इज व्हिच रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब भी हम रेडिएशन इस पे हम आपको फॉल आउट फॉल करेंगे, तो यहाँ पे एक फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ड्यू टू द इंटरेक्शन विद द सैंपल, मतलब मान के चलिए जो सैंपल से इंटरेक्शन होगा तो एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बेसिस पे होगा। सैंपल एब्जॉर्ब द एनर्जी दैट विल बी दैट इज ए फोटॉन फ्रॉम द रेडिएटिंग फील्ड्स, द इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्ब वेरी ए फंक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, वेरी ए फंक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अच्छा जरा बताइए मुझे, जैसे कोई एक जैसे यक्स कंपाउंड है, कोई यक्स कंपाउंड है किसी सैंपल में, तो क्या जरूरी है कि हर एक फ्रीक्वेंसी, जो भी आप फ्रीक्वेंसी ले सकते हो, क्या हर एक फ्रीक्वेंसी पे इस कंपाउंड का एब्जॉर्बेंस सेम होगा? कोई जरूरी नहीं, वेरी कर सकता है। क्या हो सकता है कि दो कंपाउंड है एक्स वाई जेड, हर कंपाउंड के अलग अलग एब्जॉर्बेंस वेरी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना, डीएनए का अलग एब्जॉर्बेंस, प्रोटीन का अलग एब्जॉर्बेंस, बैक्टीरिया का अलग एब्जॉर्बेंस, लिपिड का अलग एब्जॉर्बेंस, कोई मेटल है उसका अलग एब्जॉर्बेंस, दैट विल बी वेरी द एब्जॉर्बेंस एंड वेरिएशन इन दिस वेरिएशन इन द एब्जॉर्बेंस, दिस इज ए वेरिएशन इन द एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज परफॉर्म अक्रॉस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ऑलरेडी पता है। अब फिर बताना चाहूंगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी आल्सो एम्प्लॉयड द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर में एटॉमिक फिजिक्स में इसका यूज है। ये तो बाद में बहुत आएगा, बहुत मैं अगर आपसे बोलूं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है, कोई ऐसी फील्ड नहीं है, चाहे इंडस्ट्री ले लो, चाहे आप कोई फूड इंडस्ट्री ले लो, चाहे पॉल्यूशन के क्षेत्र में जो भी, क्योंकि आज लोगों को टेस्टिंग करानी पड़ती है ना भाई। जैसे हम आप घरों में दूध पीते हो, अब दूध में मिल्क में क्या कोई ऐसा कोई कंपाउंड तो नहीं है जो हमको नुकसान कर रहा हो, या कोई हैवी मेटल तो नहीं है, या कोई ऐसे एटम्स तो नहीं है, या कोई ऐसी इम्प्योरिटी तो नहीं है। आजकल एडवांस मेथड से डिटेक्शन होता है, वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। वैसे तो बहुत और भी पैरामीटर्स हैं, देखो बैक्टीरिया को पता करने के लिए प्लेटिंग करते हैं, लेकिन हम ऑर्गेनिक के बेसिस पे, फिजिक्स के बेसिस पे, मॉलिक्यूलर एटॉमिक कुछ करना हो या रिमोट सेंसिंग में करना हो, ये सब इसके यूज हैं, ये बहुत आसानी समझ में आएगा। अब हम आपको मेन पॉइंट पे जाना चाहते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा बताइए, स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो टाइप होंगे, द टाइप ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी डिपेंड ऑन विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड। मैं अगर आपसे बोलूं कि हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी बदल सकती है, उसमें अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बदल दें, तो ये मान के चलिए कि हम जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो टाइप्स हैं, आज हमारे फील्ड में, हम लोगों के बायोटेक के फील्ड में बहुत सारी डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टाइप हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए कि सभी में कहीं ना कहीं अलग अलग सोर्स ऑफ रेडिएशन होंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एक्सरे यूज करते हैं किसमें, एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आपसे पूछ दिया जाए एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में
कौन से रेडिएशन यूज करते हैं, तो आपको मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। हालांकि एमसीक्यू भी नहीं बनेगा कि ऐसा एमसीक्यू तो उसी में आंसर दिया होगा, अगर बन जाए तो ये तो एक नंबर आपका फ्री का हो गया ना। पूछ दिया एक्सरे, एब्जॉर्प्शन, स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अल्ट्रा वायलेट विजिबल किसमें यूज करेंगे? यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अल्ट्रा वायलेट आईआर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इंफ्रारेड माइक्रोवेव एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। माइक्रोवेव ESR आपके सिलेबस में है, ESR है ना। NMR इसमें कौन से यूज करते हो? रेडियो वेव। ये देखो मैं बता दूं दोस्तों, देखो ESR NMR पूछ सकता है क्योंकि इसमें यहाँ पे हिंट नहीं है ना, कि ESR में कहीं पे हिंट है कि आपको लिखा है रेडियो वेव? नहीं लिखा है ना। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, आप चाहो तो इसको मार्क कर लेना, जहां भी कहीं लिख रहे हो रफली लिख रहे हो ना लिख लीजिएगा। ESR में किस कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज करते हैं? तो आपका जवाब अगर मैं अभी जानना चाहूं तो आप क्या दोगे? रेडियो वेव दे दोगे ना, दे दोगे ना रेडियो वेव। माइक्रोवेव तो भाई माइक्रोवेव इसमें लगा ही हुआ है तो ये तो नहीं पूछ सकते, हम भी नहीं पूछे कि उसमें माइक्रोवेव है, बाकी तो नहीं पूछ सकते। जरा बताइए आपको समझ में आया कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टाइप इज बेस्ड ऑन द विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज। तो इजाजत हो तो हम वन बाय वन करके पढ़ लें जो आपके सिलेबस में है, इसमें सभी तो सिलेबस में नहीं है। मैं बताना चाहूंगा आपको, शायद एक्सरे आपके सिलेबस में नहीं है, यूवी है, आईआर है, माइक्रोवेव नहीं है, ईएसआर भी है, एनएमआर भी है। तो जो सिलेबस में है वही पढ़ाएंगे, क्योंकि सिलेबस से बाहर जाना जरूरत नहीं है। यहां तक आपको समझ में आई चीजें? यहां तक चीजें आपको समझ में आई कमेंट बोल दो। हम एक आप लोगों का एक जानना चाहते हैं कि यहां तक आप मेरे साथ थे या नहीं थे, पीछे नहीं छूट गए, क्योंकि अब मेन आपके सिलेबस में जो है, अब मेन अगर आप देखा जाए तो अब शुरू हुई है, यहां से आपका सिलेबस। अभी तक तो बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब एक बात बता दें आपको, थोड़ा समय कम है, नहीं तो मैं इसको और बेहतर कर सकता था, लेकिन आप ही लोग थोड़ा रिक्वेस्ट किए थे, लेकिन हमको नहीं पता था। अगर हमें पढ़ाना होता तो हम उसी में पढ़ा देते, क्यों। चलो चलो, बहुत थैंक यू श्रद्धा, थैंक यू बहुत, थैंक यू सो मच सभी को, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देते, बहुत अच्छा लगता है। चलो अब देखो अब मुद्दे पे आ जाओ, मुद्दे पॉइंट पे आ जाओ। अरे माइक कमेंट कर दिया करो, शिवानी कमेंट कर दिया करो, इससे ज्यादा बेहतर है। माइक ऑन करोगे डिस्टर्ब करोगे। शिवानी मैंने तो म्यूट कर दिया। चलो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अगर आपसे पूछूं कि अल्ट्रा वायलेट या यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कुछ करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट बताओ, अब आपको डिटेल नहीं बताना है क्योंकि आपके क्वेश्चन एमसीक्यू में होंगे, तो पहला पॉइंट आप यही दिमाग में आया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होगा, तो आपका आंसर होगा यूवी विजिबल। बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है इसके साथ ना। दूसरा पॉइंट क्या होगा, जो EMR होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इनके पास इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं दोस्त, ठीक है। बिल्कुल मैं कहा था यहाँ पे एक EMR स्पेक्ट्रम बनेगा ना, स्पेक्ट्रम जानते हो ना, दैट इज अ रेंज ऑफ द वेवलेंथ, वो डिस्टिंग्विश कर सके हो ना बराबर अलग अलग, मैं बता चुका हूं। अब ये भी कंसेप्ट आप इसके साथ जोड़ सकते हो मेरे दोस्त, यहाँ पे अगर कोई आपको कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब एब्जॉर्बेंस होता है तो वो इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, ये पॉइंट ऑलरेडी रिपीटेड है। मैं आपको अगर बोलूं तो आपको समझ में आ गया होगा, ग्राउंड स्टेट से कहाँ पहुंच जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में। फर्दर आपको एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। जरा एक पॉइंट और समझ लो, देखो मैं अगर आपसे पूछूं, जरा मैं आप यहां जरा फिगर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, मान लीजिए ये सैंपल है, ये आपको सैंपल दिखाई पड़ रहा, एक ट्यूब है, हालांकि इसको क्यूबेट बोलते हो, क्यूबेट बोलते हो। अब मैं बताना चाहूंगा ये ग्लास का या फिर आई थिंक यार मैं भूल रहा हूं, कोई बता सकता है ग्लास के अलावा कौन सा मेटल होता है, सॉरी किसका बना होता है ग्लास? सर क्वार्ट्ज ये आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है क्वार्ट्ज का, ठीक है। ये हालांकि बताना चाहूंगा ये कॉस्टली होता है,
ये कास्टली होता है जिसे तुरंत सुन के सब बोल देते हैं। हाँ देखो ग्लास जो है, ग्लास है ना, ऐसा नहीं ग्लास नहीं होते, ग्लास भी होता है, लेकिन क्वार्ट्स का अगर किसी के पास है, अगर क्यूबेट बनी होती तो, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। चलो अब मैं जो बात करना चाहेंगे, देखो यहाँ से जब लाइट जाती है तो इसको बोलते हो इंसिडेंट लाइट, दैट विल बी इंसिडेंट लाइट बोल सकते हो ना। यहाँ से जब माइक इसका आन है भाई, माइक इसका आन है, केडी नाम भी तुम लोग नहीं लिखते हो, इतने बड़े लोग हो भाई, क्या बताएं, बड़े बड़े लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं। ये है इंसिडेंट लाइट, सिद्धार्थ का ऑन है सर। हाँ बंद कर दिया मैंने, इंसिडेंट लाइट है ना। अब बताओ इंसिडेंट लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट में आपको कुछ फर्क दिख रहा है? अगर आप अपनी आंखों से देखे तो फर्क दिख रहा होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड ट्रांसमिटेड लाइट, क्या फर्क दिख रहा है? कोई कमेंट कर बताएगा? बोलोगे नहीं, अगर बोलोगे तो 73 लोग हो तो फिर क्या होगा? क्वार्ट्ज ओपनिंग होती है। हाँ हाँ वो तो मैंने बता दिया। हाँ नित्या नित्या थैंक यू, बहुत 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 धन। देखो आपने बोला इंटेंसिटी का, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इंटेंसिटी का डिफरेंस होगा। चलो अच्छा एक जवाब और पूछे, सभी लोग एक कृपया करके आप कमेंट बोलिए, इंटेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी अगर हम इंसिडेंट लाइट को किसी भी सैंपल के थ्रू अगर हम पास कराएंगे, दैट इज इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट या डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट? तो आपका आंसर होगा डिक्रीज। यही क्वेश्चन आएंगे, सिंपल सा, बहुत सिंपल है। जो मैं देख रहा हूँ जितने भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप तुरंत जवाब दे पा रहे हो, मुझे लग रहा है आप लोग पहले से पढ़ रखे हो, मुझे बस केवल आपसे पढ़वा रहे हो हमसे जबरदस्ती, सभी का जवाब दे रहे हो ना। चलो 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 अब हम मुद्दे पे आ जाते हैं। अगर आप इतनी बात समझ गए हो तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा ट्रांसमिटेड लाइट जो होती है लो इंटेंसिटी की होगी और एब्जॉर्बेंस डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन एंड पाथ ऑफ द ट्यूब। मैं अगर एक बार फिर से रिपीट करूंगा, यहाँ पे इस सैंपल में यहाँ पे लाइट का एब्जॉर्बेंस होगा, ध्यान दीजिएगा, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एब्जॉर्बेंस होगा। तो एब्जॉर्बेंस दो चीजों पे डिपेंड करेगा, एक तो कंसंट्रेशन, जो सैंपल कंसंट्रेशन है, और जो ये पाथ है, दैट इज ए पाथ ऑफ द ट्यूब। ये पाथ भी तो अगर बताइए जरा, अगर हम पाथ पाथ बढ़ा दें, इसका पाथ अगर बढ़ा दें तो एब्जॉर्बेंस बढ़ जाएगा ना। तो ये भी तो एक फैक्टर है कि पाथ एक इतना पाथ होना चाहिए कि हमारी रीडिंग आ जाए, बहुत ज्यादा पाथ लेने की जरूरत नहीं है। बताइए जरा, आप देखे होंगे कभी क्यूबिट को देखे होंगे, वो सेम साइज की होती है ना, ऐसा नहीं है कि कोई क्यूबिट जितना चाहो उतना पाथ कर दो, दैट विल बी ऑप्टिमाइज। तो ध्यान रखिएगा एक पाथ, एक तो हो गया पाथ फैक्टर और दूसरा हो गया कंसंट्रेशन, ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो एब्जॉर्बेंस को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। कंसंट्रेशन इंक्रीजिंग, एब्जॉर्बेंस इंक्रीजिंग, पाथ इंक्रीजिंग, एब्जॉर्बेंस इंक्रीजिंग। ये भी मुझे लग रहा है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हाँ बिल्कुल, अगर पाथ बढ़ा दोगे डिक्रीज हो जाएगा। अब एक काम करिए, इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, आपको बहुत मजेदार फिगर लगेगा ये। देखो पहला फिगर इसमें कंसेप्ट ये है, देखो ये है व्हाइट सोर्स, बिल्कुल सही, चलते चलिए व्हाइट सोर्स है ना। यहां से जब लाइट जा रही है तो यहां से एक सिंगल बीम है ना, इसमें कहीं पे डिफ्रेक्शन है क्या? नो डिफ्रेक्शन, एक सिंगल बीम, नो डिफ्रेंसिएशन, एक सिंगल बीम। जैसे आप किसी पे टार्च डाल दो, टार्च एक फॉल करो, एक सिंगल बीम है। लेकिन यहां से देखिए एक स्पेक्ट्रम बना, वही आपको याद है स्पेक्ट्रम कौन सा? अरे डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के स्पेक्ट्रम, दैट इज ए स्पेक्ट्रम, दिस इज ए स्पेक्ट्रम। तो ये आपको यहाँ पे एक कौन सी डिवाइस लगी है? डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग, डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग लगी होगी जो यहाँ से स्पेक्ट्रम होगी। अब यहाँ पे एक नैरो स्लिट होगी, नैरो स्लिट यहाँ से पास होगी और यहाँ पे एक मिरर होगा, दैट दिस इज ए मिरर, मिरर रोटेटिंग सेगमेंटेड मिरर होगा, अलाउड द रेडिएशन थ्रू द सैंपल एंड रिफ्लेक्ट इट थ्रू द रेफरेंस एंड सेल अल्टरनेटली। देखो ध्यान दीजिएगा कंसेप्ट, यहां से आपको आपको जो ये जो रेडिएशन है, एक फर्स्ट यहाँ पे सेकंड कर देते हैं, दैट इज ए टू डिफरेंट रेडिएशन, वन इज ए पास टू द सैंपल सेल, मतलब कुछ सेल, कुछ ऐसी रेडिएशन यहां से निकलेंगी जो सैंपल सेल से पास होंगी और कुछ ऐसी रेडिएशन होंगी जो रेफरेंस सेल से पास होंगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप रेफरेंस क्यों यूज करते हो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। देखो रेफरेंस इसलिए यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए
जैसे मैं किसी वाटर में कोई भी मॉलिक्यूल एक्स अगर हम यहाँ डिजॉल्व करके फिर हम इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी करें तो कुछ ना कुछ वाटर की भी तो एबिलिटी है, कुछ ना कुछ वाटर की एबिलिटी है कि वो लाइट को क्या कर लेगा, एब्जर्व कर लेगा। तो हमारे रिजल्ट्स में ये रिजल्ट थोड़ा गलत आएगा कि कुछ वाटर, जबकि हमको क्या करना है, हमको उन्हीं का एब्जॉर्बन चाहिए जो यक्ष के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया, नंबर वन ध्यान दीजिएगा। और फिर जो आपने क्यूबेट लिया है, क्यूबेट भी तो कुछ ना कुछ लाइट, हालांकि क्यूबेट क्वार्ट्स का बना है लेकिन कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्ब करेगा। तो रिफरेंस लेने का मतलब ये होता है, हो सकता है या बफर हो, अगर आपने कोई चीज बफर में डिजॉल्व की है तो बफर का रेफरेंस हो सकता है या वाटर का रेफरेंस हो सकता है, जिससे हम माइनस कर सकते हैं सैंपल से। अब देखो जरा यहाँ पे जब आएगा फाइनली डिटेक्ट हो जाएगा, डिटेक्ट करने के बाद एक चार्ट में एक रिकॉर्ड बन जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, अब तो थ्योरी का है भी नहीं, तो आप बस खाली कंसेप्ट समझिए कि हम रेफरेंस क्यों लिया, रेफरेंस किस चीज का हो सकता है, बफर का हो सकता है, वाटर का हो सकता है, सैंपल, सैंपल में भी क्या होगा, सैंपल मतलब होता है कि इसमें कोई भी एटम है, मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इसमें बफर होगा ना, तो बफर बफर क्या हो जाएंगे, आपस में माइनस कर देंगे। तो हमारा जो हमारी रीडिंग आएगी वो प्योर किसकी होगी, उस बफर में जो मॉलिक्यूल्स होगा वो जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा उसके बेस पे रीडिंग आएगी ना, उसके बेस पे रीडिंग आएगी। अब मैं तो आपको रीडिंग दिखाना चाहता हूं, जरा देख लो, टाइम तो कम है, देखो ध्यान से। अगर मैं रीडिंग की बात करूं तो यहाँ पे एब्जॉर्बेंस देख सकते हो, एब्जॉर्बेंस के बेसिस पे देख सकते हो एब्जॉर्बेंस, और दूसरा है आपका ट्रांसमिटेंस, ठीक है। ये आप मान लीजिए आपकी मीटिंग पे टाइम कम बचा है क्योंकि मुझे अभी दूसरी क्लास लेनी है, लेकिन बताना चाहूंगा ये आपका कंप्लीट हो गया है, कल हम इसके केवल एप्लीकेशन बता देंगे और कल हम आपको बताएंगे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। देखो इसमें ट्रांसमिटेंस देख लीजिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं बताना चाहूंगा ट्रांसमिटेंस का और कंसंट्रेशन का जो ग्राफ बनेगा, पॉइंट नोट कर लीजिए ध्यान से, ट्रांसमिटेंस का, अरे माइक बंद कर लो भाई, कौन है, ट्रांसमिटेंस का कंसंट्रेशन का जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर ना होकर कैसा होगा, कर्व शेप होगा, ध्यान दीजिएगा, दिस इज ए कर्व शेप, कहीं पे नोट कर लीजिएगा। और इसी चीज को जब हम एब्जॉर्बेंस में, इसी रीडिंग को एब्जॉर्बेंस में कन्वर्ट कर दें, तो एब्जॉर्बेंस में कन्वर्ट करने के लिए हम लॉग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, लॉग, लॉगरिथम लेते हैं। जब लॉगरिथम लोगे तो ये एब्जॉर्बेंस का और कंसंट्रेशन का जो आपको रिलेशन बनेगा वो एक लीनियर रिलेशन आएगा। क्या ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के लिए, मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस के बीच में एक लीनियर रिलेशन बनेगा। हालांकि डायरेक्ट ये भी है, डायरेक्ट ये भी है, यहाँ पे एक कर्व बनता है। और मैं बताना चाहूंगा जहां पे लीनियर रिलेशन बनता है वहां पे स्टडी करना बहुत आसान होता है क्योंकि मुझे पता चल जाता है कितना कंसंट्रेशन, जैसे आप इस फिगर को देखिए, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन है उतना आपको एब्जॉर्बेंस बढ़ रहा है ना। तो जरा बताइए कल को अगर आपके किसी सैंपल में